हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे पास हवावी 10 लाइट मॉडल है इसका। यह आया फुल डेड है, पावर ऑन नहीं हो रहा है इसका। तो चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या फॉल्ट है इसमें। ये चार्जिंग केबल मैंने लगा दिया है इसमें, इसके बाद देखते हैं क्या एम्पियर दिखा रहा है। ये 0.6 एम्पियर ले रहा है, आप लोग देख सकते हो ये 0.6 एम्पियर पे रुका हुआ है, आगे पीछे नहीं हो रहा है, न कम हो रहा है न ज्यादा हो रहा है। फिर उसके बाद कंप्यूटर में कनेक्ट करके देखते कि कंप्यूटर में कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो साउंड तो आ गया कंप्यूटर में, इसका मतलब कनेक्ट हो रहा है। और ये पोर्ट भी दिखा देता हूँ आप लोग को, पोर्ट भी बना रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये पोर्ट भी हमारा बन चुका है, ये ऑटो पोर्ट बना रहा है। फिर उसके बाद डीसी मशीन में चेक करते हैं इसमें क्या रीडिंग दे रहा है। तो प्लस पॉइंट मैंने जम्पर कर दिया है, फिर माइनस ऐसे ही टच कर दिया स्टेंसिल स्टील पे। फिर उसके बाद पावर ऑन करते हैं, देखते हैं क्या रीडिंग दे रहा है डीसी मशीन में। तो ये आप देख सकते हैं 0.66 इसी पे रुका हुआ है, आगे पीछे नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद इसका टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं, कहीं शॉर्ट तो नहीं है ये। टेस्ट पॉइंट तो मैंने चेक किया, इसमें शॉर्टिंग नहीं है, और कस्टमर ने मना किया है कि इसको सॉफ्टवेयर नहीं करना है क्योंकि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है मेरा, वो मुझे चाहिए। तो मैं इसका सीपीयू पहले रिवॉल्व करके देखता हूँ, अगर नहीं होता है तो फिर एएमएमसी पे काम करेंगे। स्टील को मैं ड्रिल मशीन से कट कर दे रहा हूँ क्योंकि सीपीयू निकालने में आसानी हो जाएगी, जगह बन जाएगी तो आराम से सीपीयू निकाल सकते हैं। इसको जितनी ज़रूरत है उतना मैंने कट कर दिया है स्टील दोनों साइड से, उसके बाद इसको आराम आराम से निकाल देते, ज़बरदस्ती नहीं खींचने का स्टील, नहीं तो लेयर भी निकल जाता है कई बार, इसके लिए मैंने कट करके जगह बनाया था। यह ब्लैक पेस्टेड आईसी है, तो इसका चारों साइड से पहले आराम आराम से ग्लू इसका कट करेंगे। ये कटर मैं यूज कर रहा हूँ, इसी से कट करेंगे ग्लू को चारों साइड से आराम आराम से। ग्लू को अच्छे से चारों साइड से कट करना है, कोने में आप लोग छोड़ देते हैं वो नहीं छोड़ना है, चारों साइड से अच्छे से ग्लू को काटना है। और ये ब्लोअर में यूज कर रहा हूँ क्विक 861 DW, इसका टेम्परेचर मैंने रखा है 230 और एयर रखा है 50। आपके पास जो भी है आप वो यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर मायने नहीं रखता है, मेन हैंड स्किल है आप कितने पे काम कर सकते हैं। अच्छे से चारों साइड से ग्लू को कट करना है। सीपीयू कोई कोई ब्लैक पेस्टेड भी आता है, कोई वाइट पेस्टेड भी आते हैं, ज़्यादातर ब्लैक पेस्टेड ही रहता है, सैमसंग में ज़्यादातर वाइट पेस्ट आता है, तो वो मुश्किल नहीं है, ब्लैक हो चाहे वाइट हो काम करना है तो सभी करना ही पड़ेगा, ब्लैक हो चाहे वाइट हो सब आसान है, काम करने वाला चाहिए। अगर काम खुद पे कॉन्फिडेंस है कि कर सकते हो तो आराम से कर सकते हो, कोई इतना हार्ड नहीं है। और एंड्रॉयड का सीपीयू तो बहुत आसान है, आईफोन में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एंड्रॉयड बहुत आसान है। ये मैंने एएमएमसी के ऊपर हीटिंग टेप लगा दी है और उसके ऊपर ये ब्लेड रख दे रहा हूँ क्योंकि हीटिंग के टाइम पे एएमएमसी हमारी ख़राब ना हो। इसके बाद इस पे पेस्ट लगाएंगे, पेस्ट लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा सीपीयू फूलेगा नहीं, कभी भी यूज करो सीपीयू निकालने का है तो पेस्ट ज़रूर लगाएं उस पे, उससे ये फ़ायदा रहता है कि हमारा सीपीयू फूलता नहीं है। पेस्ट लगाने से उसमें नमी आती है, इसके लिए वो फूलता नहीं है। ये मैंने टेम्परेचर रखा है हीटिंग का 400 और एयर रखा है 100। एयर और टेम्परेचर भी मायने नहीं रखता, वो है आपके हैंड स्किल पे है, आप कितने पे निकाल सकते हो, कोई 250 पे भी निकाल सकते हैं, कोई 300 पे, कोई 350 पे निकालता है, कोई 400 पे निकालता है, मैं तो 400 ही यूज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद कटर से इसको धीरे धीरे अंदर आराम आराम से इसको कटर अंदर डालेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करना है, आराम आराम से वो खुद ही जाएगा अंदर। फिर उसके बाद धीरे धीरे आराम से उठा देंगे, एक भी बॉल हमारा ख़राब नहीं होगा, ना सीपीयू का ना बोर्ड का,
एकदम आराम से निकलता है, बहुत आसान है। ज़बरदस्ती नहीं उठाना है, एकदम हल्का हल्का सा उठाएंगे वो खुद ही उठते चला जाएगा। ये बोर्ड में मैंने पेस्ट लगा दिया है, इसके बाद सोल्डिंग आयरन से इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। हल्का हल्का सा सोल्डिंग आयरन को हल्का हल्का सा घुमाएंगे, उसमें दबाना नहीं है, आराम आराम से एकदम हल्का हल्का सा इधर उधर घुमा के अच्छे से बॉल को साफ करेंगे। और अंदर अगर ब्लैक पेस्ट भी लगा रहेगा तो वो भी साफ हो जाएगा। जो साइड में ब्लैक ग्लू लगा है उसको कटर से अच्छे से साफ कर लेंगे। जिस कटर से मैंने सीपीयू निकाला था उसी से ग्लू भी साफ करेंगे, और उसी से सीपीयू भी मैंने निकाला है। वो ग्लू कटर ग्लू निकालने के लिए ही आते हैं। फिर सोल्डिंग वीक, ये सोल्डिंग वीक ही मैं यूज कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे बोर्ड के बॉल हैं वो सब एक बराबर हो जाएंगे, एक लेबल में आ जाएगा, तो सीपीयू आसानी से उस पर बैठ सकता है। उसको अच्छे से एक बराबर सारे बॉल को एक बराबर कर लेंगे, और जो बचा रहेगा हमारा ब्लैक ग्लू उसमें वो भी साफ हो जाएगा। तो अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे कपड़ा से। फिर उसके बाद थीनर यूज करेंगे, थीनर से अच्छे से साफ कर देंगे। इसके बाद हमारा सीपीयू को अच्छे से सोल्डिंग से हल्का हल्का इसका ब्लैक ग्लू जो लगा है उसको हल्का हल्का निकालेंगे। फिर उसके बाद इसमें भी सोल्डिंग वीक यूज करेंगे। इसमें पेस्ट ज़रूर यूज करना। पेस्ट यूज करने से क्या होता है कि इसमें नमी आती है, इसके लिए हमारा बॉल भी ख़राब नहीं होगा, सीपीयू भी ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा रहेगा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए पेस्ट। तो इसको अच्छे से हम सोल्डिंग वीक से साफ कर लेते हैं, और ये बॉल भी हमारा बराबर हो जाएगा। और ज़बरदस्ती नहीं करना है, ना जोर से खींचने का, हल्का हल्का उसको सीपीयू के ऊपर प्रेस करना है। प्रेस नहीं करना मतलब हल्का हल्का घुमाने का है, ज़्यादा प्रेस नहीं करने का है। उसके बाद अच्छे से कपड़ा से ये मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। हमारे सारे बॉल एक बराबर हो गए हैं, अच्छे से इसको क्लीन करने का है। इसमें ब्लैक ग्लू रहेगा वो भी निकल जाएगा, और सोल्डिंग जो इसमें वो भी एक बराबर हो जाएगा। फिर थीनर से अच्छे से साफ करेंगे इसको। आप कोई सा भी थीनर यूज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि इस कंपनी का होना चाहिए या उस कंपनी का, कोई सा भी थीनर आप यूज कर सकते हो साफ करने के लिए। उससे अच्छे से साफ एक सीपीयू निकाल के लगाने में कम से कम 20 से 30 मिनट जाता है। तो थोड़ा सा मैंने वीडियो भी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। फिर ये मैं हीटिंग टेप यूज कर रहा हूँ, इस पर सीपीयू बैठा के। फिर उसके बाद स्टेंसिल रखूँगा इस पर। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारा सीपीयू एक ही जगह रहता है, इधर उधर रिवॉल्व करने के टाइम पर इधर उधर नहीं जाता। ये मैं हीटिंग टेप यूज कर रहा हूँ उसमें बैठा के। ये आप देख सकते हैं आराम से इसमें जाके बैठ गए। उसके बाद इसमें पेस्ट लगाएंगे, पेस्ट लगा के फिर उसके बाद रिबॉल करेंगे इसको। ये मैं मेगा आइडिया का विजय पेस्ट यूज कर रहा हूँ, 183 है। इसको हल्का सा सुखा लेंगे एक दो बार कॉटन में, सुखाएंगे ज़्यादा नहीं सुखाएंगे, हल्का सा सुखा लेंगे। फिर उसके बाद उसमें रिबॉल करेंगे, ज़्यादा नहीं सुखाने का। 183 यूज कर रहा हूँ मेगा आइडिया कंपनी का, ये मेरा विजय पेस्ट है। आपके पास जो है वो यूज कर सकते हैं, मुझे तो यही पसंद है, यही अच्छा है। एक बार में अच्छे से आ जाता है, बॉल भी बाहर नहीं फेंकता है, अच्छा है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपको जो पसंद है आप वो यूज कर सकते हैं। और ये रिबॉलिंग के टाइम पे मैं टेम्परेचर यूज कर रहा हूँ 300 और एयर रखा हूँ 50। 300 हीटिंग है और 50 एयर है, इसी से मैं रिबॉल करता हूँ। 183 विजय पेस्ट यूज कर रहा हूँ मैं। इसको अच्छे से रिबॉल करेंगे, इसमें हल्का सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने से ये होता है कि जो हमारा स्टेंसिल पे फंसा रहता है बॉल, कभी कभी एक आध दो बॉल या दो चार बॉल उसमें स्टेंसिल में ही फंसा रहता है, तो पेस्ट लगा के फिर से हीटिंग करेंगे तो जो
बॉल फंसा रहेगा, वो जाके सीपीयू आईसी में आराम से बैठ जाएगा। ये हमारा रिबॉल हो चुका है, ये मैं निकाल दिया हूँ हीटिंग टेप, ये आप लोग देख सकते हैं हमारा परफेक्ट रिबॉल हो गया है, एक भी बॉल छोटा बड़ा नहीं है और ना ही एक बॉल छूटा है, सब बराबर से रिबॉल हो गया है। उसके बाद हम इसमें बोर्ड में इसको फिट करेंगे, तो इसमें इसमें पेस्ट यूज करेंगे, पेस्ट लगाएंगे अच्छे से, फिर उसके बाद इसमें आईसी को बैठाएंगे, सीपीयू आईसी को। और आईसी को बैठाने के टाइम पे ये ध्यान देना है कि चारों साइड से एक बराबर में बैठा है कि नहीं बैठा है, और साइड साइड में उसका निशान भी बना रहता है तो वो भी ध्यान देना है, चारों साइड से एक लेवल में होना चाहिए, तो हमारा सीपीयू अच्छे से बैठेगा। ये हमारा अच्छे से बैठ गया है। उसके बाद हीटिंग का हीट करेंगे इसको, ये मैं हीटिंग के टाइम पे टेम्परेचर यूज कर रहा हूँ 350 और एयर यूज कर रहा हूँ 60, यानी 350 हीटिंग है और 60 एयर है। इसको अच्छे से चारों साइड से ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऑटोमेटिक जाके वो घूम के बैठ जाएगा, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होएगा तो ऑटोमेटिक घूम के बैठ जाएगा। ये हमारा बैठ चुका है। उसके बाद थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं ठंडा होने तक, जब बोर्ड ठंडा हो जाएगा तो उसको निकाल के लगाएंगे, गरम बोर्ड यूज नहीं करना। ये हमारा ठंडा हो चुका है, उसके बाद हम लगा के चेक करते हैं कि हमारा सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मैं लगा दे रहा हूँ, अब इसके बाद चार्जिंग केबल से चेक करते हैं कि हमारा फोन ऑन हुआ या नहीं हुआ। एमएमसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, जरूरी नहीं कि सीपीयू का ही हो। ये आप लोग देख सकते हैं हमारा फोन सक्सेस हो गया है, ये 67% चार्ज भी दिखा रहे हैं, सीपीयू से ही हुआ, एमएमसी से नहीं हुआ। एमएमसी का तो मैंने किया ही नहीं, सीपीयू का ही किया काम, तो सीपीयू से ही हमारा सक्सेस हो गया है। अगर आप लोग के पास भी ऐसा आता है तो पहले सीपीयू को रिबॉल करें, फिर उसके बाद ईएमएमसी को भी रिबॉल करके देखें, अगर नहीं होता है तो फिर ईएमएमसी यूएफआई में चेक कर सकते हैं। मेरे पास तो यूएफआई नहीं है फिलहाल में। यह हमारा सक्सेस हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर करें, नहीं पसंद आया तो भी कमेंट करें, कैसा लगा ये मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं। मेरे पास रोज काम आता है, रोज चाहूं तो वीडियो बनाता रहूं, लेकिन बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ये हमारा सक्सेस हो गया।